गर्मी के दिन थे। एक सड़क पर दो यात्री शहर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वे थक गए। वे एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वे बैठे तो एक ने दूसरे से कहा, नमस्ते, मैं कुसुम हूँ। दूसरी महिला ने कहा, नमस्ते, मैं सरिता हूँ। उन्होंने आपस में कुछ देर बात की, फिर वे चलने लगे। वे कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक बकरी दिखाई दी। कुसुम ने जल्दी से बकरी को पकड़ लिया और कहा, देखो, मुझे एक बकरी मिल गई है, मैं इसे घर ले जाऊंगी, यह मेरी है। तब सरिता ने कहा, यह मत कहो कि सिर्फ ये तुम्हें मिली है, ये हमें मिली है, हम दोनों ने साथ में देखा था। लेकिन कुसुम ने उसकी एक न सुनी। उसने बकरी को रस्सी से बांध दिया। उसने रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ लिया और चलने लगी। वे लोग आगे चलने लगे। उन्हें एक झाड़ी के पास छोटा सा थैला दिखाई दिया। कुसुम ने आगे बढ़कर झट से झोला उठा लिया। बैग खोलते ही कुसुम के होश उड़ गए। उसमें पैसे थे। उसने कहा, देखो, यह थैला मिल गया है, इसमें पैसे हैं, यह मेरा है। सरिता ने कहा, लेकिन हमने बैग को एक साथ देखा, अब पूरे पैसे नहीं रख सकती, इनमें से आधा मेरा है। कुसुम ने कहा, नहीं, मैंने पहले बैग उठाया तो यह मेरा है। सरिता उदास थी। वे चलते रहे। कुसुम बहुत खुश थी। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उन्होंने बताया कि रुपयों से भरा बैग चोरी करने वाले चोरों को पुलिस तलाश कर रही है। जब कुसुम ने सरिता से कहा, अब हम संकट में हैं, पुलिस हमें अवश्य खोज लेगी, हम पकड़े जाएंगे। सरिता जल्दी से मुड़ी और बोली, मत कहो कि हम संकट में हैं। आपने पैसे रखे हैं, आप परेशानी में हैं। आपने मुझे बकरी नहीं दी और न ही आपने मुझे पैसे बांटे, इसीलिए मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। थैला तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। यह कहकर सरिता चली गई।